नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। नुपुर शर्मा के बाद अब तेलंगाना में बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद देश भर में उनके खिलाफ आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक टी राजा सिंह के खिलाफ देश भर में कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और अब उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बता दें कि हैदराबाद में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाले तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा को हैदराबाद सिटी टास्क फोर्स और शाहीन यथगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा के द्वारा दिए विवादित बयान के बाद मामला गर्मा गया है। हैदराबाद में उनके इस बयान के खिलाफ कल शाम से ही प्रदर्शन जारी है। टी राजा पर आरोप है कि उन्होंने पैगंबर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन पर ये आरोप है कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ जारी अपने बयान में पैगंबर के खिलाफ उन्होंने विवादित टिप्पणी की है। बीजेपी विधायक टी राजा के विवादित बयान पर गुस्साए लोगों ने हैदराबाद के दबीरपुरा भवानी नगर में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में AIMIM के नेता भी शामिल थे। वहीं हैदराबाद के कई इलाकों में लोगों ने टी राजा के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बता दें कि बीजेपी विधायक टी राजा सिंह अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। टी राजा सिंह तेलंगाना के गोशा महल विधानसभा सीट से विधायक हैं। दरअसल स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने हैदराबाद में एक शो किया था, लेकिन टी राजा ने शो होने से पहले ही बोल दिया था कि वो हैदराबाद में उनका शो नहीं होने देंगे। वहीं राजा सिंह ने शो होने से पहले ही कह दिया था कि अगर तेलंगाना सरकार और हैदराबाद पुलिस मुनव्वर फारूकी का शो होने की इजाजत देगी तो वो विवादित टिप्पणी करेंगे। राजा सिंह का यह आरोप है कि मुनव्वर फारूकी अपने शो में हिंदू देवी देवताओं पर कथित विवादित टिप्पणी करते हैं। यही वजह है कि उन्होंने पैगंबर के खिलाफ विवादित बात कही है। राजा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी ये विवादित टिप्पणी सबके सामने रखी है। इसे लेकर बीती रात पूरे हैदराबाद शहर में अलग अलग इलाकों में लोगों ने प्रदर्शन किया है और अब ये मामला गर्माता जा रहा है। तो दोस्तों, टी राजा के इस विवादित बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपना कीमती सुझाव हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।